बहुत कॉमन अभिक्रिया है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्वाइस ऑफ एनओ प्लस बी आर टू गिविंग ट्वाइस ऑफ एनओ बी आर, ट्वाइस ऑफ एनओ प्लस बी आर टू गिविंग ट्वाइस ऑफ एनओ बी आर, राइट। अब यहां पर ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के अंदर यहां पर आपको इस अभिक्रिया के लिए, ये अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है और ये एक से अधिक पदों में कंप्लीट हो रही है। देखना, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, ट्वाइस ऑफ एनओ प्लस बी आर टू गिविंग ट्वाइस ऑफ एनओ बी आर, ये हमारी एक अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया जिन पदों में कंप्लीट हो रही है वो पद आपको दे रखे हैं। पहला आपको दे रखा है एनओ प्लस बी आर टू, ये देता है एनओ बी आर टू, ये रिवर्सिबल अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबिलिटी यहां पर सेट की गई है, ये तीव्र पद है। उसके बाद एनओ बी आर टू प्लस एनओ, ये आपको दे रखा है कि ये मंद है और ये मिल रहा है हमारे को ट्वाइस ऑफ एनओ बी आर, एनओ बी आर टू प्लस एनओ गिविंग ट्वाइस ऑफ एनओ बी आर, राइट। ये दो आपको इस तरह से पद दे रखे हैं और अब ये दो पद देने के बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो उपरोक्त अभिक्रिया है उस उपरोक्त अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सबसे मंद पद होता है कोई जटिल अभिक्रिया, जटिल और प्राथमिक अभिक्रियाओं को लेकर कल मैंने आपके सामने बहुत बढ़िया चर्चा करी थी। मैंने कहा था जटिल अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जो एक से अधिक प्राथमिक पदों के अंदर कंप्लीट होती है, और अगर हम किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो वो एक पद के अंदर कंप्लीट होती है। ये अपने आप में ट्वाइस ऑफ एनओ प्लस बी आर टू गिविंग ट्वाइस ऑफ एनओ बी आर, ये अपने आप में एक जटिल अभिक्रिया है और जटिल अभिक्रिया है, ये एक से अधिक पदों में कंप्लीट हो रही है। और ये भी हमारी बात हुई थी कि जब एक से ज्यादा पदों में जो कंप्लीट होता है उसमें जो सबसे मंद पद होगा, राइट, वह वेग निर्धारक पद कहलाया जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसको कहते हैं, वेग निर्धारक पद के रूप में काम करेगा। तो अब यहां पर ये रेट को डिटरमाइन करेगी, ये स्लो स्टेप है, ये मंद स्टेप है, और क्योंकि ये मंद स्टेप है इसका मतलब ये रेट का निर्धारण करेगी। इसका मतलब मैं बोलूंगा रेट आर इज इक्वल टू के एनओ बी आर टू इंटू एनओ बी आर टू, एनओ बी आर टू का यहां पर जो गुणांक है वो वन है, एनओ बी आर टू का जो गुणांक है वो वन है और जो एनओ है उसका भी गुणांक वन है, तो एनओ बी आर टू रेट आर इज इक्वल टू के एनओ बी आर टू, ये एनओ बी आर टू, राइट। और यहां पर एनओ, यहां पर ये एनओ अपन ने लिख दिया क्योंकि जो मंद पद है वो अपने आप में वेग निर्धारक पद माना जाता है, जो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, जो स्लो स्टेप होती है वो अपने आप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानी जाती है, राइट। तो इस स्टेप को मैंने जो रेट एक्सप्रेशन लिखा वो इस तरीके से लिखा। बट अब यहां पर क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इन दोनों पदों का योग करेंगे, तो जब आप दोनों पदों का योग करेंगे तो एनओ बी आर टू कैंसल आउट हो रहा है, एनओ बी आर टू कैंसल आउट हो रहा है, राइट। जब आप योग कर रहे हैं इसका, जब प्लस करोगे तो जिस समय आप प्लस करोगे तो ये हमारे को मिलेगा ट्वाइस ऑफ एनओ प्लस बी आर टू गिविंग ट्वाइस ऑफ एनओ बी आर, ट्वाइस ऑफ एनओ प्लस बी आर टू गिविंग ट्वाइस ऑफ एनओ बी आर, राइट। अब ये वही अभिक्रिया हमारे को प्राप्त हो रही है, तो एनओ बी आर टू कैंसल आउट हो रहा है, इसका मतलब जो एनओ बी आर टू है वो अपने आप में एक मध्यवर्ती है, जो एनओ बी आर टू है वो अपने आप में एक मध्यवर्ती माना जाएगा। अब एनओ बी आर टू मध्यवर्ती है तो मध्यवर्ती जो है वो कभी भी वेग जो व्यंजक लिखते हो आप, वेग नियम जो लिखते हो आप, रेट लॉ व्यंजक जो लिखते हो आप, राइट, उसके अंदर मध्यवर्ती कभी भी पार्ट नहीं बनता है।
जो मध्यवर्ती होता है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन का, वेग नियम व्यंजक का कभी भी पार्ट नहीं माना जाता है, वो पार्ट नहीं माना जाता उसका, राइट। तो यहां पर NOBR2 हमारे को हटाना पड़ेगा, और NOBR2 को हटाने के लिए ये पहली वाली जो अभिक्रिया है उसका मेरे को सहारा लेना पड़ेगा। पहली वाली जो अभिक्रिया है हमारी वो अपने आप में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, पहली वाली जो अभिक्रिया है वो अपने आप में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मतलब मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू NOBr2 की सांद्रता बटे में NO की सांद्रता गुणित Br2 की सांद्रता। ये जो अभिक्रिया है आपके सामने, इस अभिक्रिया के लिए जो मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखूंगा, राइट, वो साम्य जो व्यंजक है, साम्य व्यंजक जब मैं लिखूंगा तो वो साम्य व्यंजक ये बनेगा हमारा। इसका मतलब मैं बोलूंगा NOBr2, NOBr2 की सांद्रता बराबर KEQ इंटू NO की सांद्रता इंटू Br2 की सांद्रता। इसी चीज को, ये जो आपके सामने साम्य व्यंजक लिखा हुआ है, इस साम्य व्यंजक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, NOBr2 की सांद्रता बराबर KEQ इंटू NO इंटू Br2, राइट। तो अब ये जो NOBr2 है, यहां से हमारे को जो NOBr2 है, जो अपने आप में एक मध्यवर्ती है, जो अपने आप में एक इंटरमीडिएट है, राइट, तो ये जो NOBr2 है, इस NOBr2 की सांद्रता को मैं यहां पर ले सकता हूं, मैं यहां पर ले सकता हूं। इट मींस मैं बोलूंगा रेट R इज इक्वल टू K, NOBr2 बराबर KEQ इंटू NO इंटू Br2 इंटू NO, राइट, चेक कर लीजिएगा आप, राइट। मैंने जो NOBr2 है वो NOBr2 की जगह पर मैंने इस तरीके से लिख दिया। इट मींस मैं बोलूंगा रेट R इज इक्वल टू K डैश एंड इट इज NO, NO की घात में दो इंटू Br2 हो जाएगा, राइट। यहां पर जो पावर्स हैं, जो घातांक है, वो योग हो जाएगा घातांकों का, राइट, इसमें NO की पावर में टू इंटू Br2, ये हमारे को मिल जाएगा। इस और ये जो है, अब ये बोलेंगे के डैश क्या है, के डैश भी अपने आप में कांस्टेंट है, के अपने आप में रेट कांस्टेंट है, के ई क्यू अपने आप में साम्य स्थिरांक है, राइट, ये वेग स्थिरांक है, ये साम्य स्थिरांक है, राइट, इन दोनों का मैंने योग गुणा कर दिया, तो जब इन दोनों का मैं गुणा करूंगा तो एक नया स्थिरांक मुझे मिलेगा। इट मींस मैं बोलूंगा रेट इज इक्वल टू के डैश एनओ की घात में दो इंटू बी आर टू, राइट। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे को मिलेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, राइट, ये हमारे को मिल चुका है। आ गई होगी बात समझ में आपको, राइट। तो ये बिल्कुल एक नई तरह का क्वेश्चन था जिसमें कि आपने देखा कि किस तरीके से जो मंद पद होता है वह मंद पद जो है वो